गाइस, मेरा नाम है असलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार करने वाली है, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडियन स्टेट्स वर्सेस चाइनीज प्रोविंस कंपैरिजन। तो चल के देख लेते हैं वीडियो। लेकिन अगर आप लोग उसके पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देख लेते हैं वीडियो, फिर करेंगे उस पर बातें। तो लेट्स प्ले। इंडिया में जिस तरह से स्टेट्स होते हैं, उसी तरह चाइना में इन्हें प्रोविंसेस कहा जाता है। जहां इंडिया में हर स्टेट्स की एक अपनी भाषा और कल्चर है, उससे ऑलमोस्ट उसी तरह चाइना में भी कम ही सही पर अलग अलग तरह के लोग जरूर रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंडियन स्टेट्स को चाइनीज प्रोविंसेस के साथ कंपेयर करेंगे। डिफरेंट रिलीजन से लेकर पॉपुलेशन तक इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स और स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में सब डिवाइडेड है। इंडिया के हर स्टेट के पास स्टेट गवर्नमेंट है, और हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। आज के समय में भी अर्बन एरियाज में म्युनिसिपैलिटीज और रूरल एरियाज में पंचायत रूल चलता है, जिससे पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स भी फर्दर इन एरियाज में अलग तरीके से डिवाइडेड है। इंडिया में हर 5 इयर्स पे स्टेट इलेक्शंस होते हैं, जिसे स्टेट गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है। वहीं चाइना 23 प्रोविंसेस, 5 ऑटोनोमस रीजन और 4 म्युनिसिपैलिटीज में डिवाइडेड है, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसके अलावा चाइना में 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है, हांगकांग और मकाओ। चाइना प्रैक्टिकली 5 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है: प्रोविंशियल, प्रीफेक्चर, कंट्री, टाउनशिप और विलेज। जियांग युगर रीजन चाइना का लार्जेस्ट प्रोविंस है। इसका एरिया 1.66 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। नंबर 2, डिफरेंट रिलीजन्स फॉलोड इन इट। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहां हर स्टेट में हमें डिफरेंट रिलीजन्स मिलेंगे। पर अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हिंदुइज्म सबसे ज्यादा होते हैं। पंजाब में सिख रिलीजन की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर और लक्षद्वीप में मुस्लिम रिलीजन की पॉपुलैरिटी मेजोरिटी में है। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में क्रिश्चियनिटी रिलीजन मेजोरिटी में है। इसके साथ ही कुछ और रिलीजन जो बहुत माइनर पॉपुलेशन फॉलो करते हैं, वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म। वहीं चाइना की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 5 रिलीजन को रिकॉग्नाइज दी है, वो है बुद्धिज्म, ताओइज्म, कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म और इस्लाम। बुद्धिज्म और ताओइज्म मेजरली ताइवान, हांगकांग और मकाओ की पॉपुलेशन फॉलो करती है। मजबूत पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वर्सेस प्रोविंसेस। इंडिया का स्टेट उत्तर प्रदेश 24.1 करोड़ सिटीजन के साथ इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, और इंडिया का लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन है 6,10,577। पर अगर एरिया की बात करें तो स्टेट राजस्थान 3,42,239 के साथ इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया है, और इसकी पॉपुलेशन है 8.1 करोड़। गोवा इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। इसका एरिया है 3,702 किलोमीटर। गोवा की पॉपुलेशन है 15.9 लाख। वहीं चाइना के सारे प्रोविंशियल रीजन्स में गुआंगडोंग प्रोविंस का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। 7th नेशनल पॉपुलेशन सेंसस 2020 के डाटा के मुताबिक गुआंगडोंग की पॉपुलेशन है 126.01 मिलियन, और 3.65 मिलियन पॉपुलेशन के साथ चाइना का तिब्बत प्रोविंस लीस्ट पॉपुलेटेड है। बाय एरिया की बात करें तो 1.66 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ जिनजियांग युगर चाइना का लार्जेस्ट प्रोविंस है, और आइलैंड ऑफ हेनान 3,400 स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ चाइना का स्मॉलेस्ट प्रोविंस है। नंबर 4, जीडीपी कलेक्टेड फ्रॉम इंडियन स्टेट्स वर्सेस प्रोविंसेस। इंडिया का नाम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में शुमार है। इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट का जीडीपी सबसे ज्यादा है। 2022-2021 के डाटा के मुताबिक महाराष्ट्र का जीडीपी करीब 26.61 लाख करोड़ यानी 370 बिलियन डॉलर्स का था। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, जिसका जीडीपी था 20.92 लाख करोड़ यानी 297 बिलियन डॉलर्स का। इंडिया का 50% ईस्टर्न और साउदर्न स्टेट से आता है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से 2020 में इंडिया का जीडीपी करीब 8% कम हो गया था। वहीं चाइना वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आता है, 11 ट्रिलियन युआन यानी करीब 1.71 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ। गुआंगडोंग प्रोविंस 2020 में चाइना का सबसे हाईएस्ट जीडीपी कलेक्टर बना। दूसरे नंबर पर है जियांगसू प्रोविंस, जिसका टोटल जीडीपी 2020 में करीब 10 ट्रिलियन युआन था।
नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सिर्फ चाइना ही ऐसी कंट्री है जहां 2020 में जीडीपी में करीब 2.3% का एनुअल ग्रोथ हुआ है। इंडिया के 2021 डाटा के मुताबिक स्टेट केरला का जेंडर रेशियो सबसे हाईएस्ट है जो है 1084 फीमेल पर 1000 मेल और सबसे लोवेस्ट जेंडर रेशियो है और यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव का 618 फीमेल पर 1000 मेल है। अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो सबसे कम जेंडर रेशियो हरियाणा का है जहां 880 फीमेल पर 1000 मेल है। वहीं चाइना के तिब्बत प्रोविंस का जेंडर रेशियो सबसे ज्यादा है, यहां 961 फीमेल पर 1000 मेल है और चाइना के जियांगजी प्रोविंस का जेंडर रेशियो सबसे कम है, यहां 700 फीमेल पर 1000 मेल है। नंबर 6 लिटरेसी रेट। इंडिया का स्टेट केरला 96.2% लिटरेसी रेट के साथ इंडिया के लिटरेसी रेट में टॉप पे है। इंडिया का लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट है बिहार जिसका लिटरेसी रेट सिर्फ 61.8% है। वहीं चाइना का हाईएस्ट लिटरेसी प्रोविंस है जिलिन जहां का लिटरेसी रेट है 97% और चाइना का लोवेस्ट लिटरेसी प्रोविंस है तिब्बत जहां का लिटरेसी रेट सिर्फ 63% है। अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो यहीं पे वीडियो खत्म हो गया एंड आप लोग प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार, लिटरेसी काफी ज्यादा था यार, मतलब 97% केरला का तो मतलब सेम ही है, 96.4% इधर का भी है, 96-70 अब पहुंच गया होगा। और बाकी बिहार का जो सबसे कम है 61% है और उसका जो सबसे कम वाला था तिब्बत उसका भी 63 है, बिहार से भी ज्यादा है। बाकी जीडीपी में तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है 370 बिलियन के आसपास, मतलब अब वो हो चुका है, मतलब पेंडेमिक ना आता तो और भी बढ़ जाता। एंड बाकी सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है एंड सबसे पॉपुलेशन वाला स्टेट जो बताया था यूपी है, उत्तर प्रदेश जिसमें मैं भी रहता हूँ, 24 करोड़ पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। इसका जेंडर रेशो में सबसे ज़्यादा केरला का सबसे हाईएस्ट है एंड दमन एंड दीव का सबसे कम है, चाइना का तिब्बत में सबसे ज़्यादा मतलब जेंडर रेशो है। बाकी तो मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।